दोस्तों ओमान वर्सेस बहरीन के बीच मैच स्टार्ट होगा दस बज के पैंतालीस एंड ये होगा दोस्तों सेमीफाइनल मैच इस मैच में देखो मैं तो ओमान को थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा मतलब इनके एक्स्ट्रा प्लेयर भी मैं शायद ट्राई करूं बट अगर आप इस मैच को खेल रहे हो तो दोस्तों आपको ना स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में खास करके आफ्टर टॉस बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना है क्योंकि मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये दिन का पहला मैच होगा इनिशियली एक दो ओवर तीन ओवर तक स्विंग मिलेगा बट जो सेकेंड इनिंग्स में टीम चेस करेंगे ना वो दोस्तों इजी चेस करा सकता है बट उनका दोस्तों मिडल ऑर्डर के बेटर्स को आप स्किप कर सकते हो क्यों कर सकते हो तो वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा ध्यान से वीडियो देखना पसंद आए तो लाइक करना अगर दोस्तों आप चैनल में न्यू हो फर्स्ट टाइम देख हो वीडियो फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम क्योंकि आफ्टर टॉस कवरेज अपडेट्स या फिर हुआ टीम्स आपके साथ दोस्तों मैं शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम पे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक पे आपको प्रेस करना है और रिडिडेक्ट हो जाना है कहाँ पे दोस्तों टेलीग्राम चैनल तो आते हैं फटाफट से इस मैच के एनालिसिस पॉइंट पे लाइक करके स्टार्ट रखना दस बज के पैतालीस में ये मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होगा ठीक है वेन्यू कीर्तिपुर में होगा दोस्तों ये जो कीर्तिपुर का ग्राउंड है ना ये बेस्ट ग्राउंड है नेपाल में हाई स्कोरिंग के लिए तो क्या ये मैच हाई स्कोर बनेगा 160-170 रन बन सकता है अगर ओमान ने बैटिंग फर्स्ट किया और इनसे अकीब इलियास अगर चल गया तो दोस्तों कुछ भी रन बन सकते हैं बट प्रॉब्लम है कि अकीब इलियास ना थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हिट और मिस नेचर के प्लेयर है बट स्टिल मैं मानता हूँ दोस्तों अकीब इलियास ओमान का ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर है ये ऑलराउंडर है बैट बॉल दोनों से पॉइंट देगा आपकी टीम का ये एक जहर पिक होना चाहिए कौन दोस्तों अकीब इलियास भैया ठीक है मस्ट पिक प्लेयर है टीम में रख लेना और इन्हीं के साथ दोस्तों आपको आ, क्या है कि तो एवरेज स्कोर क्या बन जाता है एक बन जाता है अगर अगली ब्लैस चलिया चला तो एक सौ अदरवाइज एक सौ ठीक है बारह मैचेस टूर्नामेंट का डन सात मैच बैट फर्स्ट पांच मैच बैठ सेकंड ने विन किया ओमान से वोन 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 ठीक है इनसे प्रति कथावली ओपन कराएगा कश्यप कुमार के साथ मैं इनके साथ जाऊंगा अपनी टीम में क्योंकि ये विकी से पॉइंट्स देगा प्लस बैटिंग से अच्छे फॉर्म से है कश्यप का फॉर्म खराब है बट ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर लेना आगे भी लिया मैच में दो उससे पहले एक फिर एक दोस्तों एक कमाल का कैप्टन पिक और आपके लिए गो टू पिक जिशान मकसूद एक कपाल कमाल का कैप्टन पिक एंड आपके लिए गो टू पिक रहेगा और स्पेशली मैं तो मानता हूँ जिशान मकशूद ना अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ ज़्यादा बेटर कैप्टन है क्योंकि देखो इस पिच में इनके ओपोनेंट बहुत सारे लेफ्ट लेफ्ट ऑथोरॉक्स को लेके आ सकते हैं दोस्तों तो लेफ्ट ऑथोरॉक्स को काउंटर तो एक लेफ्ट हैंडेड बैटर बेटर कर सकता है अच्छे तरीके से कर सकता है ये बैटिंग मिलेगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा बैट फर्स्ट में और ये बैटिंग से आपको ज़्यादा पॉइंट्स देंगे और बॉलिंग से ना दो दो ओवर करा रहा है ओवर कंप्लीट नहीं करा रहा है तो बट अगर बैटिंग फर्स्ट हो गया तो बढ़िया कैप्टन पिक रहेगा और एक मस्ट पिक वाइस कैप्टन पिक भी आपके लिए रहेगा आपकी टीम में बंदा ठीक है बहुत ही सॉलिड क्रिकेट खेल रहा है और रिसेंटली इन्होंने इवन जो अफगानिस्तान ए का क्वालिटी बॉलिंग था ना उसके अगेंस्ट भी अकी विलियर्स पूछो या फिर दोस्तों जीशान बोलो दोस्तों दोनों ने बहुत अच्छा बैटिंग किया कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनका बैटिंग से शोएब खान नहीं लूंगा अन देखो मैंने आपको बोला शकील अहमद जब जब खेलेगा अयान का ओवर कट होगा क्योंकि देखो टीम के पास शकील अहमद खेल ही रहा है एज बॉलर तो वो अगर खेल लेता है तो वो एक बॉलर के रूप से खेलेगा तो डेफिनेटली उससे टीम बॉलिंग कराएगा ईशान मखशूद जो कैप्टन है भैया वो भी तो दोस्तों ऑलराउंडर है ना ना तो वो भी बॉलिंग कराएगा वो भी लेफ्ट मोर्टोलॉक्स है तो एक साथ बारह ओवर लेफ्ट मोटोलॉक्स नहीं कर सकता है शकील अहमद का चार दो ओवर जिशान छः और अयान करने से दो से तीन ही कराएगा शोएब इग्नोर करेंगे अयान फिलहाल मस्ट मस्ती प्लेयर नहीं है मेहरान खान तो गारंटी नहीं है कब बॉलिंग करेगा कब बॉलिंग नहीं करेगा और इस ग्राउंड में कीर्तिपुर में रन थोड़े से ज्यादा बनते हैं तो मैं फिलहाल अयान भैया को नहीं लूंगा अपने टीम पे ठीक है इनको मैं हटा दूंगा। शकीला में ट्राई कर सकते हो और कीर्तिपुर ना थोड़े बहुत रन ज़्यादा बनते हैं और इसमें ना स्पिनर्स को ज़्यादा प्ले में आता है तो इसको ट्राई करना है तो कर सकते हो नॉट अ बैड चॉइस कौन दोस्तों शकीला में ठीक है मुझे बहुत ही डिसेंट चॉइस लग रहा है प्रोमिनेंट चॉइस लग रहा है तो दोस्तों अपनी टीम में इसको ट्राई कर लेना शकील भैया को ठीक है बिलाल खान को मैं मस्ट पिक मानता हूँ बहुत कंडीशन और दोस्तों बॉल फर्स्ट हुआ ना एक कमाल का कै, कैप्टन पिक भी बनेगा अलोंग विथ कॉन अक्की बिलियास देखो बिलाल ने तीन दो दो ये बॉलिंग सेकेंड में दो तीन विकेट निकाल रहा है जब ये बॉलिंग फर्स्ट करने लगेगा ना तब देख रहे ये और भी बेटर परफॉर्मेंस करेगा इनिशियली विकेट भी निकालता है मस्ट पिक प्लेयर रहेगा फयास खेलता है तो मस्ट मस्फफिक प्लेयर स्पेशली बॉल फर्स्ट फयास जहर पिक डेथ कराएगा ओपनिंग बॉलिंग बिलाल कलीमुल्ला शकील डेथ में जीशान बिलाल और कलीमुल्ला ये सीरीज से पहले का रिकॉर्ड नहीं इस सीरीज में ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो बिलाल एक तीन एक तीन एक तीन, तीन अठारह बीस मतलब पावर प्ले एंड डेथ कलीमुल्ला पावर प्ले एंड एक डेथ में करेगा शकील अहमद मिडल ओवर कराएंगे वन चेंज आएंगे मेहरान खान प्रॉपर मिडल ऑर्डर जीशान एंड अकी विलियस मिडल ओवर में करा लेता है बॉलिंग ओवर्स कट डाउन अयान खान का ओवर लास्ट दोनों मैच में कट डाउन हो चुका था फयाज खेलता है तो जरूर देखो दो पाँच अठारह बीस मतलब पावर प्ले एंड डेथ सीरीज से पहले का रिकॉर्ड है प्रथी कथा रिसेंटली अफगानिस्तान एक अगेंस्ट अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहा है तो डेफिनेटली मस्ट पिक और ये विकी करा रहा है नसीम खुशी विकी नहीं कराएगा हार्ड रिटिंग करेगा लोअर ऑर्डर अब आता हूं मैं बहरीन की तरफ उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया फिर से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और फटाफट से ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम बहरीन से देखो उमेर तुर इसका शुरू में विकेट घेरता है सरफराज अली प्लेयर अच्छा है लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ तो मैं इसको शायद ड्रॉप ना करूँ बट कैप घसी नहीं बनाऊंगा बट ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है बट खान बहुत बड़ा थ्रेट है दोनों के लिए इमरान जावेद अनवर मस्ट मस्टी प्लेयर है लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया बट ये पक्का बॉलिंग करा लेगा इस मैच में ठीक है और मस्ट मस्टी प्लेयर होना चाहिए तो इमरान जावेद अच्छा प्लेयर है सरफराज ठीक है बट उमेर तुर सरफराज दोनों में से किसी एक का तो पक्का विकेट गिरेगा पहला तीन ओवर में गिरना चाहिए ऑन पेपर इमरान अली बट अच्छा बैटिंग कर लेता है प्रॉब्लम में विकेट गिरेगा तो इम ओवर में रन बनाएगा प्लस क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ओपनर के पास कई सारे लेफ्ट अम ऑर्थोडॉक्स है जिशान अन चुप करते कम है बॉलिंग और शकील कराएगा और अके लेग स्पिनर है और ये क्या है लेफ्ट हैंडर बैटर तो इसका रोल सबसे ज़्यादा है ये मस्ट भी प्लेयर है इस टीम से सोहेल अहमद को इग्नोर करेंगे क्योंकि करंट फॉर्म अच्छा नहीं हैदर अली बट अच्छा स्टार्ट निकाल रहा है बट कन्वर्ट लास्ट दो मैच में नहीं हुआ फर्स्ट मैच में फिफ्टी नाइन जूनियर दर्जीज इग्नोर करेंगे इनका ना टीम ना क्या होता है कि रन बनाते हैं बट विकेट लॉस करते और ऑल आउट हो जाते हैं रिजवान बट बॉलिंग बहुत सॉलिड है रिजवान अली दाऊद बॉल पर शहर पिक है क्योंकि पाउट लाइन डेथ कराएगा दोनों रिजवान एंड अली दाउद अच्छे फॉर्म से भी जा रहे हैं दोस्तों अब्दुल मजीद दोनों कंडीशन ट्राई कर सकते हो फिर से बता रहा हूँ लेफ्टार्म ऑर्थोडॉक्स है और ऑपरेंट के पास लेफ्ट हैंडेड जीशान मडल ऑर्डर अयान मडल ऑर्डर और स्पिन बहुत अच्छा खेलता है अकीबिलियास बट अगर बॉ फस्ट हुआ अब्दुल मजीद अब्बास को रख लो अच्छा प्लेयर ऑप्शन रहेगा ओपनिंग बॉलिंग अली दाऊद मोहम्मद रिजवान अब्दुल मजीद अब्बासी डेथ में इमरान मजीद अब्बास और अली दाउद करते हुए आपको दिखेंगे अली दाऊद पावर प्ले में कराएगा और बेसिकली डेथ में कराया था है। लास्ट मैच पे डेथ का जरूरत नहीं पड़ा था फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग किया था रिजवान पावर प्ले एंड डेथ कराएगा सत्या मिल्ड ओवर कराएगा अब्दुल मजीद अब्बास ही मिल्ड ओवर कराएंगे लास्ट मैच में बट हाँ इसका आगे वाला मैच में इसने डेथ भी कराया था तो ये डेथ में भी आ जाता है सरफराज अली मिल ओवर एंड डेथ दोस्तों ये कुछ ओवर कट डाउन हैदर अली कट डाउन पक्का होगा ये बॉलिंग नहीं करता है बट इमरान जावेद अनवर बॉलिंग कराता है ये ओवर कंप्लीट कराने वाला प्लेयर है या फिर दो से तीन ओवर तो पक्का डाल देगा सरफराज नहीं खेला तो ये ज़्यादा बॉल करेगा फिर इससे पहले का रिकॉर्ड है दोस्तों रिव्यू कर सकते हो कुछ भी प्लेयर ऐड होता है यहाँ पे आना दोस्तों प्लेयर्स के पास उसको देख के आप अपने हिसाब से टीम में चांस ले सकते हो एट टू एट में क्या हुआ था लास्ट टाइम जब दोहा में दोहाट टू एट हुआ था गल्फ टी टू इंडिया आई में तो बहरीन ने एक बनाया था ओमान ने एक पे ऑल आउट ठीक है नौ विकेट बहरीन ने उसमें इमरान अली दो लेफ्ट हैंड रेड चौवालीस बीस हैदर सत्या का अठारह रिजवान बट का चार विकेट था इमरान अनवर का दो था सत्या हैदर का वन विकेट एच ओमान दोस्तों ओमान ने डिसेंट क्रिकेट खेले थे टॉप स्कोरर था कश्यप प्रजापति बट ये चेंज नहीं कर पाया था पता है उस मैच में ना की खेला था बट उसका बैटिंग से चला नहीं टीम और अक्की बिलियर्स नहीं चलता है ना टीम फंस जाता है फयाज का तीन था बिलाल का दो था अक्की बिलियस का एक था ठीक है उस मैच में उससे पहले अलम इंडियत में हुआ था 2022 में उस मैच में दोस्तों ओमान ने 220 बनाया और बहरे ने एक सौ चौदह ऑलआउट देखो कौन कौन चला था जिशान ने एक सौ दो नदीम ने तीस जतिंदर अट्ठाइस समय से वास्तव श्रीवास्तव पाँच फिलहाल रफील्ला दो विकेट एज इधर से डेविड मध्यस का उनचालीस था अहमद बिन नसीद ये सब प्लेयर खेल नहीं रहे फिलहाल बट इमरान अनवर बॉलिंग से बैटिंग से परफॉर्मेंस था बाईस रन का अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पे हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में ठीक है और ये टीम मैं आपके सामने यहाँ पे खुद क्रिएट करने वाला हूँ दोस्तों दोस्तों फिलहाल जो मेरा टीम में रहेगा ना प्लेयर देखो इमरान अली लेफ्ट हैंडेड बैटर है मुझे रखना जरूरी है प्रति बोले सेफ ऑप्शन है तो मैंने रख लिया यहाँ पे मुझे किसको लेना है यहाँ पे ना बैटिंग सेक्शन में कोई मस्ट मजबूत प्लेयर मुझे तो बहुत श्योर दिख नहीं रहा है मेहरान खान लास्ट मैच में बॉलिंग किया था हैदर अली भट्ट कुछ ना कुछ रन बना जाता है आप मेरे से पूछो मैं बोलूँगा हैदर अली भट्ट ज़्यादा सेफ है ये कुछ ना कुछ रन पक्का बना देगा बट मेहरान लेगा तो सीधा एक विकेट वरना कुछ नहीं फिलहाल मैं हैदर को रख रहा हूँ जीशान है अग्निविलियस है अयान खान नहीं रख रहा हूँ इमरान जवेद अनवर को मस्ती प्लेयर में माता हूँ ये बॉलिंग करा लेता है सरफराज को मैं रखूँगा देखो ये रिस्की पिक है बट अगर खेलता है तो मैं रखूंगा रिजवान बॉल फर्स्ट है पिक है बॉल सेकंड भी रख सकते हो बिलाल खान मस्पिक है अब्दुल अब्बासी अभी के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है बॉल फर्स्ट हुआ अली दाऊद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल मैं सुल्तान हमिद को रखा बॉल फर्स्ट हुआ तो दाऊद को मैं रख लूँगा बॉल सेकंड हुआ तो शायद मैं दाऊद के साथ ड्रॉप रोटेट करने का रिस्क ले लूँ फिलहाल ये रहेगा मेरा टीम और दोस्तों फिलहाल मेरी टीम में ना कैप्टन बनेंगे कौन अकी इलियास ये मेरा ना बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर है इसके साथ बनेगा वाइस कैप्टन जीशान मकसूद परफॉर्मेंस दोनों का बहुत अच्छा है अगर बैट फर्स्ट होता है तो जीशान को भी कैप्टन बना सकते हो बट इलियास क्वालिटी वाइज बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर है इनका तो फिलहाल ये रहेगा कवरेज इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ नेक्स्ट मैच का कवरेज या फिर हुआ डेमो टीम्स आपके साथ शेयर होगा टेलीग्राम पे दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे थैंक यू दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे थैंक यू दोस्तों